नमस्कार, मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल खबर जरा हटकर। हम आपको कराते हैं दिन भर की तमाम ताजा खबरों से रूबरू। और आइए अब नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जम्मू कश्मीर में सहारनपुर का एक जवान शहीद हो गया। सूचना मिलते ही परिवार व गांव में मातम छा गया। जनपद में भी शोक की लहर छा गई है। शहीद जबर सिंह का पार्थिव शरीर आज शाम 8 बजे उनके पैतृक गांव बहर मऊ पहुंचेगा। शहीद जबर सिंह का कल बुधवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी ने शहीद की पत्नी को 20 लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने की जानकारी दी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सहारनपुर के थाना नकुड़ क्षेत्र के गाँव बहर मऊ निवासी जबर सिंह तैनात थे। सोमवार की शाम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मूंगचक गांव के बॉर्डर की आउटपोस्ट BOP पर हुए एक बम धमाके में वह शहीद हो गए। जबर सिंह की तैनाती BSF में असिस्टेंट कमांडर पद पर थी। धमाके में घायल हुए जबर सिंह को तुरंत इलाज के लिए सैन्य अस्पताल ले जाया गया, परंतु बीती रात BSF के अधिकारियों ने उनकी मौत की सूचना उनके परिवार वालों को दी, जिसके बाद पूरे परिवार व गांव में मातम छा गया और जनपद में भी शोक की लहर दौड़ गई। जबर सिंह अपने 3 भाइयों में से सबसे छोटे थे। बचपन से ही उनकी सेना में जाने की इच्छा थी। शहीद जबर सिंह की एक बेटी और एक बेटा है। परिजनों ने बताया कि उनके बड़े भाई की बेटी की शादी आगामी 30 दिसंबर को होनी थी और जबर सिंह को इस शादी में शामिल होने के लिए गांव में आना था और शादी में शामिल होने के लिए उसे छुट्टियां भी मिल गई थी, लेकिन बीती रात उनके शहीद होने की खबर से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। वहीं जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने शहीद जबर सिंह की शहादत पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सरकार की तरफ से शहीद की पत्नी को 20 लाख और उनके माता पिता को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही जबर सिंह का बुधवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। पहले बात करोगे, बात नहीं हुई थी सबसे, मगर नंबर तो मिल गया, नंबर साढ़ा लग सा है। उन्हें बात करी मेरे तो पहले भाई मैं सहारनपुर तक बोल रहा है, जबर सिंह का दोस्त बोल रहा है। सबसे मगर मैं जबर सिंह का दोस्त बात नहीं करा रहा, तो मामला भी कुछ है देखो करके फिर मैं घर से चले आ फिर टैग में बारे आके देखा उसके सारे नंबर बनते हैं जी। तो मैं फिर नट के दोबारा एक्सचेंज में नंबर लगा, मैंने देर में एक्सचेंज में दिया गया परे थे। मैं लगे कहने बोले भाई जबर सिंह का भाई बोल रहे हैं, मैं कहाँ जबर सिंह का भाई बोल रहा है। अच्छा बड़े हो मका ये बोले भाई बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। जबर सिंह जो है मतलब उसमें ब्लास्ट होगा वहाँ सी गाड़ी के, उसकी गाड़ी के साथ ब्लास्ट होने पे जो है सही 3 तो इंजर्ड हो गए। जबर सिंह जयवीर के तो खराब होगा, मेरे बीच में नहीं रहा। देखिए सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। स्वर्गीय श्री जबर सिंह नाम उनका है। सांबा सेक्टर से हमारे पास फ़ोन आया था और DIG BSF से भी हमारी बात हुई है और इस दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कल उनका वो शहीद हुए। उनका पार्थिव शरीर आज रात में 8-9 बजे तक गांव में पहुंच भी जाएगा। समस्त जिला प्रशासन और सहारनपुर के लोगों की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि है। हम आज शाम तक उनके परिवार में हम ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुके हैं। हमारे SDM वहाँ पर मौके पर उनके परिवार के साथ ही हैं। कुछ कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम सभी लोग वहाँ पर जा भी रहे हैं। लगभग संभावना है कि कल सवेरे उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा और सरकारी दिशा निर्देशों के और रूल्स के हिसाब से हम उनकी इमीडिएट फैमिली यानी उनकी पत्नी को 20 लाख रुपए की सहायता देंगे और 5 लाख रुपए की सहायता उनके पेरेंट्स को दी जाएगी। इन दिनों मुजफ्फरनगर की सियासत गरमाने लगी है, जिसका कारण है जिले की जनता में भाजपा के प्रति रोष, जिसमें प्रशासन द्वारा जिले के सेवलांस थाना क्षेत्र के मोहल्ला जनकपुरी के 40 से अधिक परिवारों के मकानों को अवैध घोषित कर दिया गया है, जबकि यह परिवार पिछले कई दशकों से इस कॉलोनी में बसे हुए हैं और इनके पास जमीन के बैनामे भी हैं। यहां तक कि ये परिवार हाउस टैक्स, बिजली का बिल, पानी का बिल सहित सभी प्रकार के टैक्सों का भुगतान भी करते हैं, लेकिन अचानक हल्का लेखपाल ने इन्हें एक नोटिस जारी कर इसे सरकारी भूमि घोषित कर दिया और 3,000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से किराया देने के आदेश दिए। इन मकानों में एक मकान उस शख्स का भी है जो देश की सेवा के लिए सीमा पर तैनात है।
बीएसएफ का यह जवान अपने मकान को बचाने के लिए छुट्टी लेकर आया है और कई बार जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट चुका है, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। वहीं मंगलवार को मोहल्ला जनकपुरी के लोगों ने एक पंचायत आयोजित कर भाजपा का चुनावी बहिष्कार कर दिया और बैनर लगवाकर मोहल्ले में प्रवेश भी वर्जित कर दिया है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि यदि उनकी समस्या का समाधान जनप्रतिनिधि नहीं कर पाते तो सभी मोहल्लेवासी चुनाव का बहिष्कार करेंगे और वोट नहीं देंगे। वहीं नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल का कहना है कि नगर पालिका द्वारा यह नोटिस जारी किए गए हैं और पालिका अध्यक्षा उनकी पार्टी से नहीं है। इस संबंध में जिलाधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट से वार्ता हुई है और जिन लोगों के पास नोटिस गया है उन्हें वापसी लिया जाएगा। ये जो हमारी यहाँ की सरकारी जमीन बताई जा रही है, हमारे यहाँ पे सब पे बेनावे हैं और बेनावे होने के बावजूद भी ये सरकारी जमीन बताई जा रही है, इस वजह से हमने पोस्टर लगवाई। सरकार है, सरकारी जमीन है तो सरकार ने भेजे होंगे नोटिस। हमें तो यहाँ पे मतलब की 30-30 साल से रह रहे हैं यहाँ 44। अगर 2019 में जो चुनाव है उसमें हम बीजेपी नेता का कोई भी आएगा तो हम उसे घुसने नहीं दिए जाएंगे यहाँ पे, ना ही हम उन्हें वोट देंगे। हमारी यहाँ आज इकट्ठा होने की ये वजह है कि लगभग 2 माह पहले सरकार द्वारा, यानी जो सरकार है वर्तमान की, उसने हमें नोटिस दिए 44 व्यक्तियों को कि आपका जो मकान है वो अवैध भूमि पर बना हुआ है, जबकि 30-35 साल से लगभग हम यहाँ रह रहे हैं और यहाँ सबके पास रजिस्ट्री बैनामे के मकान है। सबके पास, किसी के पास वैसा नहीं कि भाई बना लिया हो मकान, जमीन पड़ी खाली, सबके पास बैनामे हैं और सब लगभग 25-30 साल से नगर पालिका को टैक्स दे रहे हैं। सबके पास नगर पालिका की नकल है, सबके पास पटवारी जी का दिया हुआ चुहादी प्रमाण पत्र है जिससे ये क्लियर हो कि जमीन साफ सुथरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद भी कुछ लोगों से मिलकर पटवारी जी ने या नगर पालिका वार्ड ने कुछ बड़े लोगों को जिन्होंने वास्तव में अवैध कब्जा कर रखा, उनकी संपत्ति को बचाने के लिए यहाँ गरीब लोगों की इस बस्ती पे जो है वो फर्जी नोटिस इन्होंने दिए हैं। वास्तव में हमारी एक डिमांड है कि इस बस्ती की पूरी की एक अस्थाई बिंदु रेलवे लाइन है उसे मानते हुए इस बस्ती की पूरी पैमाइश की जा, और अगर वास्तव में हमारा मकान ऐसी जगह है सरकारी जमीन पर तो हमें उसे गिराने में भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कि स्पष्टीकरण होना चाहिए बिल्कुल, और इस पूरी बस्ती की कहीं ना कहीं खसरे खसोती सजरे के हिसाब से पैमाइश होनी चाहिए और पैमाइश में जहाँ वो जगह है उस जगह को सरकार ले ले, हमें कोई आपत्ति नहीं। किस तरह का विरोध प्रदर्शन आपने गली के बाहर बैनर लगा रखे, भाजपा का नाम बनाया, क्या विरोध? हाँ, भाजपा का विरोध है। देखो आप नहीं, आप जो है पत्रकार बंधु है, आप तो सारी दुनिया को देख रहे हैं। हम जो राजा है वर्तमान में, जिसकी सरकार है वो हमारा राजा है, और राजा जो चाहता है, जितने भी नीचे वर्कर है उसके काम करने वाले रोकर चक्कर, वो वही काम करेगा जो उसका मालिक है, और उन्हीं हम उन सबके पास, चाहे माननीय विधायक जी हो, माननीय सांसद जी हो, पहले मंत्री जी भी रहे हैं और भी अन्य भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हो, हम सबके पास इस अपने व्यथा को लेकर सबके पास चले गए। किसी ने हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया और ना ही हमारी किसी किस्म की कोई मदद। अब क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? अब हमने ये निर्णय लिया कि हम किसी भी सभी पार्टियों का बहिष्कार करते हुए, मान लिया हम किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं लेंगे इसमें, हम सामाजिक स्तर पर अपने मोहल्ले के स्तर पर संगठित होकर इस लड़ाई को अंतिम छोर तक लड़ेंगे और चाहे हमारे प्राण चले जाएं। क्या राज्य से लगा विरोध करोगे आप इसमें? हम सबका करेंगे, एक तरफ जो हम राज्य सरकार का विरोध करेंगे क्योंकि सारा मामला तो उसी का, जो वे कह रहे वही तो नीचे कर्मचारी कर रहा, जो सरकार कहेगी, जो राजा कहेगा, मंत्री वही करेगा, संतरी वही करेगा, तो सारा मामला तो सरकार का है। पाल समाज को भाजपा का वोट माने बेच जाता है? नहीं, इसमें पाल समाज और ऐसे समाज की कोई बात नहीं, इसमें सभी समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोगों पर नोटिस है, यहाँ व्यक्तिगत एक समाज की कोई बात नहीं है, यहाँ सार्वजनिक सबकी बात है। कितने घरों को नोटिस दिया गया? लगभग 42 को नोटिस है और सुनने में आ रहा है कि 25-30 को और आने वाले हैं। ये विरोध इसलिए हो रहा है कि 1949 में हमारे कभी बुजुर्गों ने यह जमीन पट्टे पर ली थी लाला घसीराम से। आज 3 पीढ़ी होगी, आज तक इसमें कोई झगड़ा पगड़ा कोई किसी किस्म का नहीं है, उस जमीन को हम आज तक जोतते आ रहे हैं। आज आने के बाद में इसमें पटवारी लोग गड्ढा दिखा रहे हैं, जोहड़ बता रहे, लेकिन वे जोहड़ जमीन के, हमारी जमीन के बीच में दिखा रहे, कहीं कहीं एक तरफ नहीं, सिर्फ कहीं कहीं दिखा रहे। सरकार हम तो यह कहते हैं कि जब जमीन हमारी है, हमने यह दी, आज तक बस्ती बस रही है, आज बस्ती बसी थी 49 साल पहले, क्या नाम, सब पूरी जमीन थी, जोत की जमीन थी, इसमें पानी चलाया हमने, जोती बही। तो ये है कि सर ऐसा कि हम तो लड़ने के लिए तैयार हमेशा रहेंगे,
नगर पालिका कहाँ जब गए थे सामने बदमाश आकर चढ़ गए थे कब्जा ले लिया था इतना इतने प्लॉट के पैसे नहीं है जितने हमने इसमें खर्च कर लिए है जगह जगह झगड़ रहे हम अपनी जमीन अब जिंदगी में छोड़ने के नहीं आज बेकर कहीं नहीं करते लड़ेंगे अगर आप संघर्ष करें हमें कैसे किस आदमी से कोई हमें संबंध नहीं हम तो अपनी मांग मांगा मैं अभी जी बैनर इसी नाम के लगाए जाएंगे ये जो सरकार हमारी मदद नहीं करती तो जो गरीब आदमी की तली तपड़ी में लग रही तो कहाँ से खाऊंगे यही है नोटिस इसी बात की लड़ाई है कि कहाँ जाऊंगे गरीब आदमी नोटिस में यही लिखा है कि मकान फूटेंगे क्यों फूटेंगे जी इसमें तो 12-13 साल तक भी ज़्यादा हो गए सर यही ने लिया है कि इसके समाधान करो समाधान नहीं होया तो गरीब आदमी जीवेगा तो फिर भी मरने तो हो रहा है आदमी मरता रहा अगर वोट भी दे और सारी चीजों की वो भी करो सरकार के लिए तो सरकार इतनी परेशान होगा तो जी हम दे वोट देंगे अगर नहीं हमारा समाधान होने का तो जी हम वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी किसी बिल्कुल नहीं पसंद देंगे ये इसलिए लगाए थे कि इन्होंने जो है नोटिस भेजे मकानों पे गरीब आदमी हम सारी उम्र होगी हमें यहाँ लगाते लगाते पता नहीं कैसे कैसे कर 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 है अब हमारे पर नोटिस भेज रहे हम कैसे छोड़ देंगे हम नहीं छोड़ देंगे चाहे मर जाओ किसी से हमारी छुट्टी आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मेरे घर पे नोटिस दिया नगर पालिका ने जो अवैध तरीके से दिया गया अब उसमें सर मेरा जो क्या नाम खचरा नंबर है 225 है लेकिन मेरे को 271/2 का नोटिस दिया गया जो गलत है और मैं इसके लिए क्या नाम गवर्नमेंट से ही पूछना चाहता हूँ जब मैं एक देश की सेवा कर रहा हूँ क्या मैं यहाँ से कुछ अवैध जगह कब्जा करूँगा और इससे पहले मेरे पास में मेरे और की इंक्वायरी करा सकते हैं कि आगे पीछे मेरे पास में कोई प्रॉपर्टी है तो हाँ बेनामा लिया मेरे फादर ने बेनामा लिया था मेरे नाम कराया था वो हाँ चढ़ा है सर मैं इसका क्या नाम टैक्स भी देता रहा हूँ 14 साल से जब मैंने खरीदा दूसरे से उसका भी टैक्स दिया मैंने मेरे नाम से है बिजली का भी है पानी का भी कर्जा दोनों दे रहा हूँ मैं हम चाहते हैं कि ये इसका क्या नाम अगर जो हम दोषी है तो दोषी को दोषी के तौर पर लिया जाए अगर जो हम दोषी नहीं है तो हमारा मुक्त किया जाए और जल्दी से जल्द मुक्त किया क्योंकि हम टेंशन पहुँचती है इसमें कि आ जाऊँ छुट्टी बीच में मेरे से पहले मेरी वाइफ थी इनके साथ में जो हमारे अध्यक्ष जी हैं इन्होंने बात किया क्या नाम कपिल देव साहब से भी बात किया उधर बालियान साहब से भी बात किया है अब उन्होंने क्या आश्वासन दिया वो बोले कि कुछ नहीं होगा इसका और आप अपना आराम से रहो नोटिस सब बंद हो जाएंगे लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर हमारी तारीख पर तारीख लगती रही कल भी हमारी तारीख थी कल मैंने उनको बोला साहब मैं ऐसे ऐसे मैं ड्यूटी करता हूँ अगर जो मेरे सामने कुछ मेरे को आश्वासन मिले कि ये तरीका है आप गलत है या क्या है तो मुझे संतोष तो होगा कल मैं ड्यूटी पे जाऊँगा तो मेरा क्या हाल होगा उन्होंने कहा कि ठीक है अपने डॉक्यूमेंट सफाई जमा कराइए मगर ठीक है साहब हम कराने के लिए जा रहे हैं कल कचहरी बंद होने की वजह से वकीलों ने नहीं करा पाया दरअसल इकट्ठा इसलिए हुए है जो ये हमारी कॉलोनी है इसको नगर पालिका कह रही है कि ये अवैध कॉलोनी है अगर ये अवैध कॉलोनी है तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से ही इसमें लाइट की व्यवस्था रोड की व्यवस्था नाले की व्यवस्था किस पर्पज से करा दी फिर मेरे मकान 220 वर्ग गज का है आप कुछ उपलब्ध है नोटिस देने की वजह ये है मेन वजह इनकी ये है दरअसल जो नगर पालिका और जो पटवारी हैं यहाँ के क्षेत्रीय पटवारी जो हैं इनकी मिली भगत है इसमें जो ये श्रेणी 4 की जगह है ये उधर है भट्टे की तरफ इन्होंने आपस में साठ गांठ की काफ़ी मोटी धनराशि ली दी गई आपस में आदान प्रदान हुआ तो उस वजह से वो जो खसरा नंबर उधर के थे वो इधर आवंटित कर दिए इन्होंने जबकि मेरे पास खुद मेरे मकान का जब मैंने बहनावा कराया है मेरे पास तहसील से बाकायदा पटवारी से लिखित में है 272/1 में मेरा मकान है ये और मेरे पे जो नोटिस दर्शाया गया है उन्होंने 288 का नोटिस दिया हुआ दूसरा आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ अपनी सरकार से राज्य सरकार से एक तरफ तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्यमंत्री आवास योजनाएं बना रही हैं और दूसरी तरफ से इनकी मंशा ये है कि जो गरीब हैं लोग उन्होंने अपनी पूरी जीवन की पूंजी लगाकर अपना मकान बनाया किसी तरीके से तो उनको खाली कराने पर उतारू है मुजफ्फरनगर के जनकपुरी क्षेत्र में मुझे आपसे सही जानकारी मिली है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने पोस्टर लगाए हुए हैं विषय ये है कि नगर पालिका के द्वारा कुछ लोगों को नोटिस जारी किए गए कि आपने अवैध कब्जे कर रखे हैं नगर पालिका में चेयरमैन भी हमारी पार्टी के नहीं है दूसरी पार्टी की है निश्चित रूप से उनके द्वारा नोटिस भेजे गए होंगे उन लोगों का कहना यह है मैं कल वहाँ गया था खुद ही बातचीत कर गया उन्होंने कहा था 25-30 साल से हम लोग रह रहे हैं तो माने मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि अगर जो लोग पुराने काबिज़ हैं और अगर कोई ऐसे मकान उनके हैं जो लोग रह रहे हैं
हाउसेस वाटर दे रहे हैं तो उन लोगों को बेदखली नहीं कराई जाएगी। केवल भूमाफियों को बेदखली कराने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री के हैं। इस संबंध में मैंने सिटी मजिस्ट्रेट से और जिलाधिकारी बातचीत की है, उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके उन लोगों को नोटिस हम वापस करवाएंगे। ये हमारे अपने लोग हैं, कुछ लोगों ने गुमराह करके उन लोगों को भड़काने का काम किया हुआ, उनसे बातचीत करेंगे और विषय का निस्तारण करेंगे। उनका कहना है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे 2024 में। अब किसी ने भड़काया होगा, अभी चुनाव बहुत दूर है और ये कोई नौटंकी करने से, बहिष्कार करने से या दो चार लोगों के भड़काने से समस्या हल नहीं होती। समस्याएं बैठ के और बातचीत करने हल होंगी, जो केवल हमारे माध्यम से हो सकती है। जो उकसाने का काम कर रहे हैं उनके माध्यम से समस्या ठीक होने वाली है। बातचीत करें, हमारे अपने लोग हैं, उस समस्या का समाधान हो जाए। जनपद सहारनपुर में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आईटीसी मिशन सुनहरा कल के अंतर्गत सहयोगी संस्था वोश इंस्टीट्यूट द्वारा आईटीसी के एमपीएस हॉल में विश्व शौचालय दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी आलोक पांडे व आईटीसी ब्रांच मैनेजर मनोज शुक्ला ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में 35 से अधिक स्कूल के छात्र छात्राओं सहित बाल संसद से जुड़े पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। विश्व शौचालय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने स्वच्छता की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए स्कूली बच्चों को स्वच्छता पर कहानी सुनाते हुए कहा कि भारत की संस्कृति और सभ्यता में ही स्वच्छता रची बसी हुई है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने जीवन शैली में स्वच्छता को लाना होगा, तभी एक स्वस्थ भारत का निर्माण संभव है और आईटीसी मिशन सुनहरा कल के इस ओर किए जा रहे प्रयास सराहनीय है। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने यह भी कहा कि शौचालय का प्रयोग किसी के लिए भी सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है, इसलिए शौचालय का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। हमें एक स्वस्थ जीवन धारा के लिए इसको अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आईटीसी के ब्रांच मैनेजर मनोज शुक्ला ने कहा कि आईटीसी मिशन सुनहरा कल के अंतर्गत आईटीसी का सतत प्रयास है कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत आईटीसी की भी पूर्ण सहभागिता रहे। इसके लिए आईटीसी मिशन सुनहरा कल के अंतर्गत स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आईटीसी ब्रांच मैनेजर ने प्रशासनिक सहयोग के लिए जिलाधिकारी सहित जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों का आभार प्रकट किया। आज वर्ल्ड टॉयलेट डे है और हमारे सारे ब्लॉक्स में, सारे गांव में, सारे स्कूलों में वर्ल्ड टॉयलेट डे का एक मैसेज गया है और सारे बच्चों, सारे जो सामाजिक अग्रणी हैं, यहाँ के गणमान्य नागरिक हैं, एनजीओज हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबको इसमें इन्वॉल्व किया गया है। आपने देखा जैसे कि अभी आईटीसी ने भी एक सुंदर प्रोग्राम किया है, इसमें सारे बच्चों को हम एक किट भी उपलब्ध करा रहे हैं, सारे स्कूल्स में किट उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि वो सफाई की उनकी हैबिट पड़े, शौचालय का उपयोग बढ़े और इसके माध्यम से गंदगी दूर करके स्वच्छ शरीर और स्वच्छ मन प्राप्त किया जाए। जनपद शामली की नगर पंचायत थाना भवन में नगर को सुंदर व स्वच्छ रखने के लिए नगर पंचायत द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जो नगर पंचायत कार्यालय से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस नगर पंचायत कार्यालय पर पहुंची। जनपद शामली के कस्बा थाना भवन में कस्बे को स्वच्छ रखने के लिए नगर पंचायत थाना भवन द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को नगर अध्यक्ष रफत परवीन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस नगर पंचायत कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें अधिशासी अधिकारी रवि यादव सहित नगर पंचायत कर्मचारी व सभासदगण मौजूद रहे। वहीं कस्बे के सरस्वती जूनियर हाई स्कूल व सनातन धर्म स्कूल के छात्र छात्राओं व अध्यापकों ने भी इसमें हिस्सा लिया। वहीं कुछ महिलाओं का कहना है कि जागरूकता रैली में नगर अध्यक्ष रफत परवीन नजर नहीं आई, उनके स्थान पर उनके पति रैली में घूमते नजर आए। महिलाओं का कहना है कि ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनकर हम अपने घरों से बाहर नगर अध्यक्ष को देखने के लिए आए, परंतु वह इस रैली में उपस्थित नहीं थी, जिससे उन्हें निराश लौटना पड़ा और बताया कि जब सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबर का दर्जा देने में लगी है तो हमारे द्वारा चुनी गई नगर अध्यक्ष व नगर पंचायत की महिलाएं सभासदों ने घरों से बाहर निकलना भी उचित नहीं समझा। ये भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये 2016 से प्रारंभ हुई है, 2019 में स्वच्छता सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ है और ये 4 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें मैं अध्यक्ष महोदया और अपनी तरफ से समस्त नगरवासियों से और ये एनजीओ संगठन, विद्यालय के बच्चे, पूरे पत्रकार बंधुओं और समस्त बोर्ड के सदस्यों से ये अपील कर रहा हूँ कि आप लोग इसमें नगर पंचायत का पूर्णतः सहयोग करें, जिससे स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में हमारा कस्बा नंबर 1 है। किस किस तरह के संसाधनों से इस रैली में जो है पूरा सहयोग किया जा रहा है और क्या जागरूकता लाई जा रही है? रैली में तो समस्त स्टाफ है, दफ्तर के लोग हैं, एक एनजीओ कस्बे का सभी सम्मानित एनजीओ हैं और कस्बे के सम्मानित लोग भागीदारी कर रहे हैं और ये व्यापक जन जागरूकता का एक कार्यक्रम है। सर, हम ढोल नगाड़ा
पत्रकारों की उनकी आवाज़ सुन के गए थे कि कस्बे में रैली निकल रही है, चेयरमैन साहब आएंगे, तो हम गए वहाँ पे कि हम अपनी समस्या रखेंगे। रैली में चेयरमैन साहब बती ही नहीं, निराश होकर लौट आए। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, चेयरमैन साहब बती ही नहीं। हमने वोट दे के ये सोचा था कि वोट दे के हम इन्हें कामयाब करते हैं कि हमारी समस्या सुनेंगी, ये कहीं भी नहीं सुनती है। जनपद सहारनपुर में सड़क चौड़ीकरण के लिए बिहारीगढ़ कस्बे में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। एसडीएम बेहद शिव नारायण शर्मा के साथ इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा और भारी पुलिस बल इस दौरान मौजूद रहा। आपको बता दें, कस्बा बिहारीगढ़ में पिछले कई माह पूर्व से दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए निर्माण कार्य शुरू हुआ था। हाईवे की कथित जद में आए भवनों को लेकर हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों व कर्मचारियों की मनमानी के चलते शुरू से ही व्यापारी विरोध कर रहे थे। मंगलवार को तहसील प्रशासन और नेशनल हाईवे की टीम ने भारी पुलिस बल पीएसी के साथ कस्बे में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाना शुरू किया तो प्रशासन व हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों कर्मचारियों की व्यापारियों के साथ तीखी नोकझोंक हो गई। बेबस में ऐसा है, कितने ही व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को टूटते हुए देखकर रोते हुए नजर आए। एसडीएम बिहट एसएन शर्मा व तहसील प्रशासन की टीम ने नेशनल हाईवे का बुलडोजर चलवाकर लोगों के साथ तो हो रही नोकझोंक को नजरअंदाज करते हुए भवन व सामान सहित व्यापारियों के सपनों को जमींदोज कर दिया। दर्जन भर बिल्डिंगों की 2-3 मंजिल तक धराशायी कर दी गई। लोगों में प्रशासन की इस कार्रवाई से आक्रोश तो पैदा हुआ, परंतु भारी पुलिस बल और पीएसी की मौजूदगी से डरे सहमे व्यापारी विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यहां कस्बे में भाजपा समर्थित अनेक व्यापारियों ने जिला अध्यक्ष सांसद के अलावा बड़े बड़े नेताओं को फोन करके अपनी मदद की गुहार लगाई, लेकिन सभी ने अनसुनी कर दी। इसके बाद व्यापारी इकट्ठा हुए और उन्होंने भाजपा के झंडे बैनर जलाकर आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के पूर्ण बहिष्कार की घोषणा कर दी। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान कस्बे के रविदास मंदिर के सामने सत्तार मिर्जा के मकान पर हाईवे के कर्मचारियों ने हैवी लोडर मशीन लगाया तो पूरा का पूरा मकान पलक झपकते ही धराशायी हो गया। इस मकान में मोहम्मद सत्तार और उसका एक भाई नौशाद लैंटर के नीचे दब गए, जिन्हें भीड़ ने बामुश्किल मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद लोग भड़क गए और हंगामा प्रदर्शन करते हुए भीड़ ने एचएम की चाबी निकाल ली। बाद में एसडीएम बेहट एचएन शर्मा और थाना प्रभारी प्रेमवीर राणा ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को समझाया और आश्वासन दिया कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए एनएच से मुआवजा दिलाया जाएगा। इसके बाद जब लोग नहीं माने तो प्रशासन ने नुकसान का पूरा मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 18 नवंबर को हुए नाटक के पोस्टर में भारत के नक्शे से कश्मीर का हिस्सा गायब होने को लेकर देवबंदी उलेमा ने अफसोस जताते हुए उसकी कड़ी निंदा की है। उलेमा का कहना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हम लगातार कहते आ रहे हैं कि कश्मीर हमारा है। ऐसे में एएमयू में लगे भारत के नक्शे से कश्मीर का हिस्सा गायब किया जाना बेहद अफसोस की बात है। उलेमा ने सवाल उठाया, जब कश्मीर हमारे मुल्क का हिस्सा है तो फिर उसे भारत के नक्शे से कैसे गायब किया गया, यह बेहद अफसोसनाक है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो नक्शा लगाया गया उसके अंदर से कश्मीर का हिस्सा जो गायब कर दिया गया, ये इंतहाई अफसोस की बात है। जब हम कश्मीर की मांग करते हैं और कश्मीर हमारा है, तो कश्मीर को उस चित्र के अंदर से ख़त्म करना, ये जो है बिल्कुल सरासर जुल्म है। इस तरह की हरकत जिस शख्स ने भी वो चित्र बनाया या वहाँ पर लगाया, ये जो है हिंदुस्तान के शान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि हमारे एक कश्मीर के हिस्से को उसके अंदर से ख़त्म कर दिया गया। इसकी जो है सरासर मुखालफत होनी चाहिए, और जो मुखालफत हो रही है बिल्कुल ठीक हो रही है कि कश्मीर के हिस्से को वहाँ से ख़त्म कर दिया। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। जब हमारे मुल्क का एक हिस्सा मौजूद है, अगर वो हमारे कश्मीर नहीं है उसको हटा दिया जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो हमारे मुल्क का हिस्सा है तो उसको वहाँ से हटा दिया गया, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। जिसने भी यह किया है गलत किया है। मंगलवार को जिला चिकित्सालय स्थित रेड क्रॉस भवन में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह के अंतर्गत मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मीडिया कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कार्यक्रम अधिकारी ने इस अभियान की जानकारी दी। 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक हम लोग नवजात शिशु के लिए सप्ताह मना रहे हैं, उनकी देखभाल के लिए, एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए समाज में, और ग्रास रूट लेवल पर हमारे जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है, शिशु मृत्यु दर, उसको कम करने के लिए ये सप्ताह मनाया जा रहा है। आज के पहले हम लोगों ने विभिन्न प्रोग्राम किए हैं, और आज जो है मीडिया वर्कशॉप का जो है आप लोगों के साथ जो किए हैं कि आपके सहयोग से हम
जनता में पहुंच सके, जो थोड़ी सी जानकारी कम रखते हैं और उनको अवेयरनेस पैदा कर सके कि नवजात शिशु की देखभाल कैसी करनी चाहिए। मंगलवार को नवजात शिशु देखभाल सप्ताह के अंतर्गत जिला महिला चिकित्सालय में हेल्थी बेबी शो का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में नवजात शिशुओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान सबसे अच्छी देखभाल करने वाले परिजनों को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में CMS डॉक्टर अमिता गर्ग मौजूद रही, जिन्होंने नवजात बच्चों के अभिभावकों को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया। ये नवजात शिशु देखभाल सप्ताह जो मनाया जा रहा था, उसका लास्ट डे है और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे ज़िले में जितने बच्चे जो पैदा हो रहे हैं और एक साल तक के बच्चे, उन्होंने अपना टीकाकरण पूरा करा लिया है और पैदा होते ही जिन्होंने बच्चे को अपना दूध पिलाया है, उन बच्चों को यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा। तो तकरीबन कितने बच्चे आए हैं उसमें? ये बच्चे तो इसमें हमारे पास करीब ऐसे 50-60 के करीब रजिस्टर्ड हैं और इसमें ये प्रोग्राम ये इसलिए है कि जिससे कि जनता में जागरूकता फैले और वो प्रसव जो है पहले तो अस्पताल में कराएं, उसके साथ ही प्रसव के पश्चात ही जो एक घंटे के अंदर दूध पिलाते हैं वो पिलाएं और 24 घंटे के अंदर जो टीकाकरण होना है और उसका हेपेटाइटिस बी का फोन करवा लें और उसके बाद आगे के भी टीकाकरण अपना समय से कराते रहें, बच्चे का एक को जो है उसका वजन लगातार रख पाते रहे, ये तो नॉर्मल वाले बच्चे हो गए। उसके बाद इस अस्पताल में वो बच्चे भी हैं जो बहुत कमज़ोर पैदा हुए हैं और उसके बाद उनकी जो देखभाल हुई है, उस तरह के बच्चे तो खैर इसमें हम लोगों ने इस हेल्दी बेबी शो में नहीं है, इसमें तो मेनली कोई बच्चे जो स्वस्थ पैदा हुए हैं वो स्वस्थ चल रहे हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी अर्चना वर्मा द्वारा की गई। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही, जिन्हें अधिकारी गणों द्वारा इस अभियान की जानकारी दी गई। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में मंगलवार को नगर निगम चुनाव की मतगणना सकुशल संपन्न हुई, जहां पर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। वहीं इस दौरान प्रत्येक वार्ड की मतगणना के साथ ही मेयर पद की मतगणना भी जोरों शोरों के साथ की गई, जहां वार्ड 1, 2 और 3 से भाजपा, वार्ड 4 से कांग्रेस, वार्ड 5 से निर्दलीय, वार्ड 6 से कांग्रेस, वार्ड 7 से भाजपा, वार्ड 8 और 9 से कांग्रेस, वार्ड 10 से भाजपा और वार्ड 11 से कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहे, जहां समर्थकों ने विजयी प्रत्याशियों को फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मंगलवार को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक मोहम्मद अफसर द्वारा मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने मेरा भारत दारुल अमन जन जागरण यात्रा के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह रैली 22 नवंबर को सहारनपुर से शुरू होगी, जो 9 जिलों से होकर मुजफ्फरनगर से होती हुई देवबंद में सम्पन्न होगी, जिसके द्वारा लोगों को भारत की संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा और अमन का संदेश दिया जाएगा। ये हमने इसलिए रखी थी, हमारी एक भारत दारुल अमन जन जागरण यात्रा के संबंध में रखी है, जो 22 तारीख से 22/11/2018 में सहारनपुर से हमारी एक रैली शुरू होगी और 9 जिले से गुजरते हुए मुजफ्फरनगर को आते हुए देवबंद में उसका समाप्त होगा। उसमें काफ़ी पूरा संगठन साथ रहेगा, जो संगठन है पूरा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो है वो पूरा साथ रहेगा और 9 जिलों की यात्रा होगी। उसमें हमारा जो संदेश है वो ये है कि मेरा भारत दारुल अमन जन जागरण यात्रा, ताकि हम बच्चे बच्चे को ये बता दें कि हमारा हिंदुस्तान प्यार मोहब्बत की जगह है। और आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर सराहट कर।